हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे भाई? बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। और आज भाई मैंने सोचा, भाई कई महीने हो गए करवा चौथ पे फेशियल वगैशियल करवा के आई थी वैसे तो मैं, पर अब जाने का ना तो मन है भाई। अरना मैं जाती मोस्टली, हम तो अपने घर पे ही कर लिया करे, तो मैंने सोचा 4 महीने हो गए हैं कम से कम, तो स्क्रब कर लेती हूँ। ज्यादा कुछ तो करती नहीं भाई, मैं खुद ही बस नुआ स्क्रब कर लेती हूँ। वैसे जब तब मैं नहाया करूँ ना, पहले तो बनाती जब कर लिया करती, अब मगर ले आपके साथ भी शेयर करती हैं स्किन केयर थोड़ा सा क्या करा करें। ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ खास फर्क लगता नहीं है, सब उसे ही लग जाए। पर उस टाइम पर भाई फेस पर बार बार ये थोड़े रगड़े से लगे जाए, तो थोड़ा सा लाल लालपन सा आ जाए कि भाई हाँ फेस अब क्लीन हो गया है। पर बार बार चीज होती रहेगी, साफ होती रहेगी तो वो लगेगा। तो ये मेरे पास पुराना सा स्क्रब बच रहा था, वैसे तो मैं कल नया लेके आई थी, लेकिन वो मैंने पुराना था उसी को ऊपर से काट के उसमें से निकाल लिया, नए काम चल गया, नया यूज नहीं करा। थोड़ा सा बच गया था वो अपने हाथों पे कर लिया भाई मैंने, तो इसको करके भाई अच्छी तरह से गर्दन वर्दन पे अपने नाक वाक पे सब यार राउंड राउंड करके और हल्का हल्का पानी लगा लगा के उसको कर लिया क्लीन। और भाई इसके बाद है ये कि भाई इसको तले से कर लूंगी साफ। अब जैसे देखो भाई, अब एक बार फेस को हम क्लीन करते रहेंगे, किसी कोई भी चीज है वो तो रेड रेड सी तो दिखेगी। तो देखो नया भी लेके आई थी मैं, ये मैंने यूज करा नहीं क्योंकि उसमें पुराने में ही बच रहा था। और ये लेके आई थी मास्क, ये वाले मेरे को इतने अच्छे लगा है ना, तो भाई ज्यादा बड़ा खरीदने की जरूरत कि भाई पड़ी पड़ी चीज एक्सपायर भी हो जाए। तो ये एक बार यूज हुआ है अपना, जब यूज करना हो अपने बाजार तो मंगा लो और यूज करो, और ना इसमें कोई झंझट कितना लगाना है, कोई मोटी परत लगी या पतली लगी, इससे नुआ भाई थोड़ा सा स्किन केयर तो होना ही चाहिए। नुआ भी सब चीज वो ना लगे, पर नुआ साफ करते रहो 2 महीने 3 महीने 4 महीने, मैं इसको अब करती रहू हूँ 2-3 साल से। मैं ये ट्राई कर रही हूँ 4-5 महीने में जब मन करे तो यो कर लिया करूँ। और इसमें जो सीरम बच गया था उसको इसके ऊपर से लगाकर भाई हाथ उत्पम मसल लूंगी, वेस्ट नहीं जाने देती। नवू क्या लगा लिया मम्मी ने? नवू क्या बन गई मम्मी बता? नवू मम्मा क्या बन गई, क्या लगा लिया मम्मी ने? क्या बन गई मम्मा? अब क्या एप्पल दे दूँ काट के तेरे को? एप्पल एप्पल ऐसे बोलो एप्पल। चल देखती हूँ काट के। इन लोगों को दे दी भाई एप्पल कट करके। अरे इसके पापा रे अपना डस्टिंग कर दिया, झाड़ू लगी है, पोछा लगाऊंगी पहले। उससे पहले इसको मास्क को रिमूव करती हूँ और फिर सोड़ वोड़ तय करूंगी। और यहाँ भाई अब कम से कम आधा घंटा हो गया था, इस पर तो 15 मिनट लिखा रहा है, पर उन्होंने कहा ना संतुष्टि सी ना आती, तो मैंने कम से कम 25 मिनट रखा था। और फिर जो इस पर उतारा था तो ऑयल सा तो हुआ इसमें जेल सा, तो उसको मैं मसाज कर लूंगी भाई जब तक भाई मेरी स्किन में वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा अच्छी तरह से, तो इसको मसाज करती रहूंगी। इतना दोनों थोड़ा बहुत कर लिए हैं, और जो व्लॉग पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई प्लीज व्लॉग पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई हो गए हैं ना नू लिए हैं, और ये नवू भी देखो, नवू ने तो बस मेरा ड्रेसिंग टेबल मिल जाए खुला। एक यो इतना परेशान करे जा है, इसमें तो कोई चीज थे आ जाओ पड़ी उससे ना पार तोड़ देगा जब भी। मान जा बेटा वो ले लेगा नवू, डालो वापिस ये सारे ले लेगा, मुंह में नहीं लेते क्यों रकद कद की क्या चीज धरी है, तू पिटाएगी मेरे दो, डालो सारी चीज वापिस। हाँ पापा जी के ले भैया बनाएंगे खाना, तो 10 मिनट में और बनाओ। इनको रखो, चलो बंद करके रखो, चलो देखना भाई। मैंने अब नबू की चोटी कर दी है, कर लेकर आई थी ये, इसके सेम सेम कलर के 4-5 कलर के लिए आई, और ये इसकी एयर पिन भी लाई थी, ये तक निकाल के फेंक। एक और कहाँ गई ऐसी, दिखाओ सबको अपनी चोटी दिखाओ ऐसे। हाँ यो भी लगाऊंगी, ये पहले ड्रेस के साथ, इधर देख मेरी तरफ देखो एक बार, नवू दिखाना सबको अपनी चोटी मेरी तरफ देख तो सही, एक को एक बार दिखा दो दे। हाँ देख नवू ना खराब होगी,
इनको इसके अंदर डाल के रख दे। एक और एयर पिन कहाँ गई है, ऐसी दो लेके आई थी, डालो इनको ईयरिंग ले डाल के रखो अब इनको सबको। अरे वो सामान फिर खिंडा दिया, डाला था मैंने, आराम आराम से एक एक करके डालो, वन वन करके ऐसे वन वन डालो इसके अंदर। दिखाइए अपनी चोटी, दिखाइए भाई। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, हो गया लंच, आराम कर रहे हैं, फन मैं और नबू। अब मैं धोऊंगी बर्तन, पापा के कपड़े गए हैं सूख, खाना तो खा लिया और गर्मी इतनी हो रही है, शाल ओढ़ रही थी उतार दिया। आज स्कूटी लेके चलोगे क्या? आज फिर चल पड़ेंगे, चल पड़ेंगे, पर घना धूल उड़ रही है, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उस दिन भी पता नहीं भैया आखा में बढ़ गया, आज फिर हो रहा है, डस्ट सा घना उड़ रहा है। नाऊ तो क्या कर रही है पापा? क्या करी पापा के साथ? अरे बने की चोटी करी थी ना, खोल दी जब इतनी आई से, ये पील लगाई ना उन्हें गए पकड़ कर खींच दी सीधी, बाल पाटो चाहे कुछ हो। ए देखो, हेलो बोल सबको, वो हेलो बोलो। आज तो मन लगे सो भी कौन है भाई, उठी है यार 10:30 बजे, चलना सो गई तो अपना सूट सी मिलूंगी, इसके सारे लोटू तो फिर मन नहीं नींद आ जाए। अरे भाई देखो रसोई की हालत, तू तो बर्तन तो मन रख दी, ये बर्तन है पाइप निकाल दिया है, पर मुझे ऐसा लगा है मुझे शाम को दोबारा कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि आदि कहा स्पोर्ट्स डे तो लेकर पहन के जा रहा है वाइट ड्रेस, और शायद कल ओ भाई कल सैटरडे है, कई बार छुट्टी है कि ना, तो कल भी उसने वाइट ड्रेस पहन के जानी पड़ेगी। और अब गैस साफ करूंगी पहले, फिर उसके बाद ओ हाँ आदि की बड़ी मम्मी आज जान लग रही है हरिद्वार, कल शिवरात्रि है ना, तो वो आज जा रहे हैं, चारों जा रहे हैं लक्ष्य रीना और दोनों भी मसीब जाते होंगे, पैकिंग वैकिंग तो होगी थी उनकी, दिखाऊंगी, चलो मैं जाऊंगी बर्तन धो के जाऊंगी नीचे। उड़ा दर्दी है सीटा के, तो ऊपर ले ली अपन ने, रात ने तो हम कोई ना ले कि जा रही ना कर रही नया ना डटे भाई घर में तरफ रहे अब डन का कौन है हाय रीना गंगा किनारे ठीक है भाई। ए ईवीस के जी ने बन गया, ऊपर जाना था तब जब निकलना था ना जान दे ठीक है, कुंदी मार दो ठीक है तभी सुने रीना ठीक है, टोटे टोटे है ठीक, हाँ कोई ना जाओ ठीक है बाय बाय बाय। देखो बेटा फी कितना उदास हो गया, ऊपर आ गया मेरी गल तभी, कोई नहीं सोई सोई कर ले सो जा। अरे ये सुखा दिए भाई पापा के कपड़े, धूप ताजी सी लग गया है, परली कड़ भी रही है, सूख जाए गर्मी भी होने लगी, अब चलते नीचे बाल्टी नाड़े टांग जाऊं, शाम में फिर लेनी पड़ेगी। सो जा बेटा सो जा, अब हम चलते हैं भाई नीचे, आदि बिहान में हो रहा है। देखो मैडम सोएगी कि नहीं, एक गिलास कर लेते हैं गर्म पानी, बैठ कर पियेंगे थोड़ी देर, फिर देखती हूँ। ये कार्तिक आ रहा है, अरे भाभी तू तो दिखेगी, आ तोड़ा गई ना हाँ न्यू का इसका जन्मदिन है भाई 27 तारीख का, इसने कपड़े दबाना आ रही थी, अरे ये पूना मर के तार लिया है कल, नुका भैया आ जा बैठ, देखो
ये किसकी दुकान पर ले आई तू? बेदू सटाई और जा लते पैर ले देखो, देखो। दिखाई कर दी शर्ट अपनी तैयार को दिखा दे तूने गुआ दो मिनट लगेगी पैर दिखा दे एक बार सारे तैयार को दिखा दे तू फिर बताओ गुआ दिखा ये लो मैडम जी आपके शूज काला दो मुंह और काले रत्ते हो गए ये यार पैर दिखा कर तू एक बार दिखाई है ओए ये 1000 रुपए आपको डिस्काउंट करके 800 रुपए पड़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है सी और ये शर्ट कितने की है या 2000 की होगी शर्ट है की भाई 900 की 750 की पड़ जाएगी आपको 5000 रुपए दे रहा है अरे अरे भविष्य में इन्हें दुकान अब काम तो ना करेगा सुसरे वो दिखाने पैर का दिखाई तो पैर का दिखा देने बुआ तो दो मिनट लगेगी पैर का दिखा बड़ा बड़ा दे बेटे पापा आदि हाँ ना फोन दे ले रही पड़ी दिखाने पर रहेंगे मम्मी देखना मम्मी ए ए मारूं काटी लेटर पी टंगड़े सभी खाना नहीं मारूंगी बिल ले ले 800 की जीन्स 700 की शर्ट 800 2300 रुपए लेस कर करती यो ड्रेस लाया भाई कालू राम जूते भी देख या दे टफी ने एयरबैंड पर आड़ में लाग रही मान जाने वो खा लेगा यो ना रहने दे कार्तिक डर जा डर जाएगा यो सही है अरे ना दे एक बार तो फोल्ड होगी ना तुरपाई कर दिए गरा कर दिए तुरपाई इसका दिखा कितनी लेंथ है मैं ना लगाती बोल चलो बाय करो जा रहे हैं भैया मामी जा रहे हैं टफी तारी गल फिर बाजे कर दे की हाल कर दिया टफी ने के टफी के दही फिर पाए दिन ठाला है ना इसकी तो बहुत आदत खराब है भाई यो चला के ले जाएगा रास्ते में कोई पा गया था आराम से चलाया कर बाबूजी मत पाक है देख कर दी चलो जाओ बाय कुंदी लगा दिए भाई बाहर तो दोबारा हाँ बाय दे थर तो पहला जागा यो कुंदी ध्यान तो लगा दिए ठीक है गई भी भाभी कार्तिक के कपड़े लेने आ रही थी इसका बर्थडे है तो आ रहा था 3-4 दिन की छुट्टी होगी पूनम और के उड़ता तो मैं सोचू ये बस झाड़ू बाद में काटूंगी पहला सूट कटिंग कर लेती हूँ सूट की कटिंग कर ली थी भाई फिर ब्लॉग वगैरह डाला और देखो मैंने आज क्या करा ये सूट है ना बहुत सिल्क उसमें है कपड़े में बिल्कुल कभी सिल्की सिल्की तो मैंने इनर वो करके पहले तो सिलाई लगाई है एक बीच में देखो दिखी हो गया आपने यह वाली और फिर यो मैंने साइड में सी लिया क्योंकि पिन वगैरह लगाना तो वो भी निकल जा है और यो काबू में नहीं रहता तो मैंने दोनों उसके बीच में सिलाई लगा के साइड में लगा ली नो है बीच का उधर जाएगा यो ठीक हो जाएगा इब ना तो सिल ये इनर वाले सूट सिल्क उसमें काबू में नहीं आते भाई और भाई जिसने दिक्कत होती हो तब ना ऐसे कर लिया करो क्योंकि मेरे तो मैं तो मोस्टली ऐसे ही करा करूँ थोड़ा वैसा कपड़ा हो ना थोड़ा सा भाई डटन वाला तो उसमें तो पीन भी लग जा और यो है कभी कह रहा ना रिपट रिपट बाजने का कपड़ा है कभी तो मगर इसमें ऐसे कर लेती हूँ बनाऊंगी दोनों सूट के गले आदि जा रहा है भाई नमूने लेकर वहाँ पर चाचा करके तो इसलिए थोड़ी शांति सी है मगर इतना सी लूँ फिर खाना बनाऊंगी दादा नवू होगी ना तो वादा कर दे क्योंकि फिर वो खटपट खटपट करे जा कुछ छिड़का नहीं करा जा सूटी से हो जाए सिल्की दुखी करते हैं सिलर में अब मैं इनके गले बना लेती हूँ दोनों के गरम है रुक जाई ओ कैसी रेसिपी दिखाना एक बार इधर
अरे डुब जा पूरी निकाल के लेने दे तो दे तू भी मेरे पास सेवा कर रहा है बकवा कर रहा है खाते हैं चलो गाइस ये बर्थडे वाला मेरा है नाउ यू आर चाइल्ड यू आर इट दिस आई एम बिग ब्रदर ले क्रम भी है थोड़े ध्यान से चाहिए ला दे इसकी ये मेरी है बना लिया अभी खाना पापा राधी गए हैं शादी में आज फिर तो इसके पापा ने भी एक ही रोटी खाई माँ और मैं चटनी बना ली आलू की टफी को दे दी माँ को भी दिया भाई इसके पापा भी खाने लग रहे हैं अंदर अब ये दोनों दादा भूखा जा रहे हैं खाना खाने और अब हम रोटी खा लेते हैं ए मैडम आ जा दो दिए भाई बर्तन बर्तन दिखाइए मुंह दिखाइए क्या बोला था ये बोल जी कौन है मेरा फोन देखने का नहीं सिर्फ तेरा काम पढ़ने का रही देखो भाई घर की हालत देखो एक बार मैं अंदर आई हूँ तो देखो यो घर है तबेला मेरे तेन समझ में आता एक तो कमरे में एडजस्ट कर इतना दुखी हो जा है और ऊपर तेन खिंडा देंगे मैंने सोड उसके ऊपर रख रखी थी सोड के ऊपर और देख चादर का हाल रिमोट की पन्नी काट देगी या छोरी नूनी हो बैठा है छोरी के ऊपर मत कूद जाइए देखो देख दे मशीन का कित ले कार ले पकड़ ले मैं इस संगवाऊ एक बार सारे का तुमने मेरे तो दिमाग खराब कर रहा है चाटा मारूंगी बावड़ा समूह बना रहे भी हो चल काम निकाल स्कूल का ए मत छेड़ इसको खड़ा बेटा बैठ संगवान दे ये ड्रामे मत कर खड़ा हो ले नवी कबूर का भर दे हाथ के ओए जल्दी पकड़ ले मैं इसे करूं ठीक चलो भाई अब करते हैं इस व्लॉग का एंड कैसा लगा व्लॉग जरूर बताना सूट मेरा सिल गया है बाजू रेरी लगानी वो कल लगाऊंगी देख ए बुंडो पंखा चला दे और सबको बाय गुड नाइट व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बाय गुड नाइट गाइस नव बाय कर दे Bye.